तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम और मैं हूं देवजी अग्रवाल। यहां पर जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया था कि टूल्स के कुछ नए नए वीडियो लेके आऊंगा, तो एक मैं आपको ये टूल्स दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा पास आ जाइए। ये है डीसी आपका डायरेक्ट करंट। अगर हम बात करें डीसी सप्लाई मशीन, इसको डीएसपी भी बुलाते हैं, डायग्नोस्टिक पावर सप्लाई। ये मोबाइल रिपेयरिंग में आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो डीसी मशीन थी वो इस तरह की कुछ आती थी, ये जो हम लेते थे 2 एम्पियर की इस तरह की मशीन लेते थे। इसमें से एक डीसी मशीन, ये चालू करो जरा, एक डीसी मशीन। तो आपने देखा होगा कि दो तरह की जो डीसी मशीन होती थी वो शुरू में 2 एम्पियर की होती थी, और जनरली जो पहले के 3G और जो कीपैड हैंडसेट होते थे उनको चालू करने के लिए 2 एम्पियर काफ़ी होता था। पर अभी क्या होता है कि अभी जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, जो ज़्यादा वोल्टेज अगर हम बात करें कंज्यूम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी LED पे आने वाले वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाते हैं और उनके सेक्शन भी बढ़ गए हैं, तो वो ज़्यादा एम्पियर खर्च करते हैं। तो आप जैसे इसमें देख रहे होंगे, इसमें जो हमारा एम्पियर का करंट का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 एम्पियर। थोड़ा पास में ला के दिखा दो जरा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, मैं आप थोड़ा पास से हम देखा, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0.6 एम्पियर से 2 एम्पियर तक है। मतलब 2 एम्पियर के ऊपर अगर मान लीजिए अगर हमारा फ़ोन नहीं चालू होगा, तो बेसिकली हम बात करेंगे तो ये डीसी मशीन हमारे लिए बेकार है। दूसरी बात और बता देता है कि अभी इस तरह की जो डीसी मशीन आ रही है, मैं आपको इसके फंक्शन बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको एक डीसी मशीन ये दिखाई दे रही होगी, एक डीसी मशीन ये, और एक आपको फोनकॉम की डीसी मशीन दिखाई दे रही होगी। ये कोई मेरी शॉप नहीं है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आपने तो पता होगा। थोड़ा कैमरा घुमा दो, तो ये हमारी क्लास है, ये हमारे साथ फिरोज सर बैठे हुए हैं, बिलन सर है, और ये हमारे EMC का बैच है, और ये भी हमारा क्लास में फेयरवेल चल रहा है, आज हमारा लास्ट डेट है EMC का। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डीसी मशीन के साथ में क्या आपको चीज़ मिलेगी, ये देखिए कंपनी जो मैं इसमें बताता हूँ, कोराट की कंपनी है, काफ़ी अच्छी है, KA3005D डिजिटल कंट्रोलर है। अच्छा, इस डीसी के साथ में क्या दोस्तों, ये केबल अलग से आपको परचेस करनी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है, केबल आप अलग से भी खरीद सकते हैं। तो इस डीसी मशीन में आपको जो ये चैनल दिखाई दे रहा है, कब सबसे बेस्ट है ये चैनल, और इस चैनल की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको इसमें करंट एडजस्टमेंट बताता हूँ, ये सारे फंक्शन आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में ये बेच तो रहे होंगे पर ये बता नहीं रहे होंगे। आपको अगर ये डीसी सप्लाई मशीन खरीदनी है अच्छी क्वालिटी में, जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बेचते हर दुकान वाले हैं, पर वो आपको इसी में आपको कॉपी वर्जन दे देंगे सस्ते में, तो आप इस नंबर पर जो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, आप ZS मलिक को कॉल लगाइए और उनसे परचेज कर सकते हैं। डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पर जाइए, अगर आप इसे टेलीकॉम को सब्सक्राइब करते हैं और उनको एक फोटो दिखाते हैं कि मैंने इसे टेलीकॉम सब्सक्राइब किया है, तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे तो पूरी इसी मशीन में, सिर्फ उनको जो इसे टेलीकॉम को सब्सक्राइब करते हैं। आप देखिए, सो इस मशीन में आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले ये है टोटल जिससे हम पावर ऑन ऑफ करते हैं, और तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दबा रखा, देखिए दोस्तों, तो ये ऑन ऑफ बटन है, जैसे इसको यहाँ से हमने ऑन करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर टिक किया, अब यहाँ पर ये जैसे आपने दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये CC में आ चुकी है, अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी, हमारे किसी काम की नहीं होगी, तो हमें इसको ऑन करना होगा और हमारा जो कनेक्ट है वो CC आउटपुट में आना चाहिए। अब यहाँ पर पहला बटन यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर लॉक बटन दिया होगा। दोस्तों ये लॉक बटन काफी अच्छा है, जैसे सपोज अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अपनी दुकान पर बैठा हूँ, मैं कहीं घर चला गया हूँ और मेरे दुकान पर ऑलरेडी काफी और टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई टेक्नीशियंस को छेड़े, तो मैं इसको देखिए यहाँ पे इसको दबाऊंगा, थोड़ा पास लेके आओ, और ये देखिए आवाज आपने सुन लिए, तो अब इसमें कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये एक तरह से लॉक हो चुकी है। अगर मैं फिर से इसको दबाऊंगा, थोड़ा पास आइए, अब देखिए, तो इसका मतलब है कि अब इसमें हमारे जो फंक्शन है वो काम करेंगे। अब यहाँ पे जो चैनल दिए हुए हैं, ये एक्चुअली देखो यहाँ पे मेमोरी लिखी हुई है, रिकॉल जहाँ से आपने देख रहा होगा, और इसका स्लैश सेव, इसका मतलब ये है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर M3 दबाता हूँ, तो देखिए M3 में जो अभी वोल्टेज है वो 1.8 वोल्टेज है, जो एम्पियर है वो 5.1 एम्पियर का सेट हुआ है। सो अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूं, देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले ये दबाना होगा, तो जैसे मुझे ये 8 को मेरे को 0 करना है तो 0 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने M3 दबाया और M3 दबाने का जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको इस वोल्टेज करंट को टिक करना है, और ये आपको 4 दिखा रहा है, मान लीजिए सपोज आपको 2 से 4 वोल्ट लाना, तो आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है लेफ्ट एंड राइट वाले, तो ये हमने लेफ्ट वाला दबाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद में ये 2 फ्लक्चुएट करना लगेगा, और इसको मुझे बढ़ाना है जैसे 4, अब मुझे इसको 2 करना है, तो मैं वापस ये करूँगा और इसको यहाँ से 2 ले आऊँगा, तो यहाँ पर हमने वोल्टेज किया। अब मुझे एम्पियर, सपोज मुझे इसको 3 एम्पियर पे रखना है, तो मैं वापस ये दबाऊँगा, और मैं देखिए यहाँ पर दबाऊँगा, और यहाँ पर दबाने का ये दबाऊँगा, अब इसको यहाँ से 3 कर दूँगा, और ये यहाँ से दबा कर इसको यहाँ से 0 कर सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो यहाँ पर अब मैंने इसको टिक कर दिया है, तो अब ये सेव हो चुका है यहाँ पर। अब
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एज अ टेक्नीशियन हूँ, मुझे काम करना है और मुझे 3 एम्पियर यूज करना है, मुझे 5 एम्पियर यूज करना है, तो मैं जैसे ही क्या करूँगा, मैं M3 दबा दूंगा तो देखिए वो ऑटोमेटिकली 3 एम्पियर पे आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा सेव हो जाएगा। काफ़ी अच्छी मशीन है, अभी के नए मोबाइलों को ये मशीन बिल्कुल 100% ऑन करके उठाकर देती है। मैं आपको इसमें एक फ़ोन ऑन करके उठाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके के एंड्रॉयड के फ़ोन को यहाँ पे चालू किया जा सकता है, और वही फ़ोन को मैं इस मशीन से भी ऑन करके देखता हूँ, तो देखते हैं कि दोनों में वो क्या ऑन होता है या नहीं होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, ये आपको ये फ़ोन ऑन करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर मसला क्या है इस फ़ोन में, मैं आपको बता देता हूँ। इस फ़ोन में इसका बैटरी पूरा ख़त्म हो चुका है, तो हमने इसको एक नए तरीके से उसको बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने एक बैटरी का स्ट्रिप लगाया हुआ है और इस फ़ोन को इसके साथ ऑन करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बी बैटरी सप्लाई देंगे तो इस फ़ोन को ऑन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो आपको इंस्टीट्यूट में आके सीखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लस सिरा है और ये सिरा माइनस सिरा है, तो ये इसके साथ लगाएंगे और इसके साथ ऑन करके देखेंगे और देखेंगे कि सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है सोनी का, देखिए प्लस माइनस दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको पहले मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए अभी ऑन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब हमने यहाँ पर इसको माइनस और प्लस में डाल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो आपका एम्पियर दिखाई दे रहा है वो 5.1 है, 4.2 हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो हम इसको ऑन करते हैं। अब देखिए सी वी और आउटपुट में जा चुका है, अब हम इसको ऑन करेंगे। ये एक एंड्रॉयड का मोबाइल है, आपको दिख रहा होगा सोनी का, और ये हैंडसेट को अब हम इसको इस मशीन से ऑन करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से। जो क्योंकि अगर मैं इस मशीन से ऑन करूँ या इस मशीन से ऑन करूँ दोस्तों, ये मशीन ऑन नहीं करेगा इस हैंडसेट को। देखिए यहाँ पर नीचे वाला है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसको टिक किया, ये देखिए दिखा दीजिए, देखिए ये कंप्लीट ऑन हो चुका है, ये पूरा ऑन होगा। आप इसमें बकायदा इसका टच चला सकते हैं, इसके ऑन करने के बाद आप इसके EN सिग्नल चेक कर सकते हैं, आप इसमें वोल्टेज चेक कर सकते हैं, लाइट का सेक्शन हो गया, रिंगर हो गया, स्पीकर माइक, तो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। सो आपको मैं बताता हूँ, अगर ये मशीन खरीदना है तो दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहे होंगे। आप अगर हमें ये दिखाएंगे कि हाँ आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोडक्ट की मशीन है, काफ़ी अच्छी है। एक मशीन और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए। एक मशीन यहाँ पर है, सनशाइन की मशीन है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और किस तरह से मशीन काम करती है, और मुझे एक वीडियो आप लोगों के लिए DC मशीन का बना के देना है। और बहुत सारे जो टूल्स है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक USB चार्जिंग का बहुत अच्छा यहाँ पर सनशाइन का दिया हुआ है, इंटेलिजेंट फास्ट लाइटिंग चार्जर, जो ये बताता है कि सर अगर मेरे को चार्जिंग नहीं हो रही है और मुझे बैटरी कनेक्टर पे तब भी 4.2 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये इसका डायग्नोस करके देता है कि क्या रीज़न है। सो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो इसी तरह जुड़े रहे चैनल के साथ में, और अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है, जैसे मेरी ये एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने परचेज की है, और कितने की 45 जैसे ये मशीन मेरी एक स्टूडेंट ने परचेज की है, और इसका जो दाम है दोस्तों वो सिर्फ 4,500 है। और अगर आप जैसे मैंने कहा कि एजा टेलीकॉम को सब्सक्राइब करते हो तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।